हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूँ डीटी जगदीश और आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोया चंक के बारे में। सोया चंक मोस्टली वेट गेन के लिए भी यूज़ होता है, वेट लॉस के लिए भी यूज़ होता है। अगर आपको मसल बिल्ड करना है, वेट को बढ़ाना है, बॉडी को टोन करना है, तो भी आप इस हाई प्रोटीन फूड को खा सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो वेट लॉस के लिए भी आप सोया चंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोनों का जो प्रिपरेशन होता है, ईटिंग सिस्टम होता है, वर्कआउट सिस्टम होता है, दोनों का अलग रहेगा, उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर हमें ढेर सारा प्रोटीन मिल जाता है। अगर हम 100 ग्राम का अगर अनकुक अगर सोया चंक लेते हैं तो लगभग हमें 50 से लेकर 52 ग्राम के आसपास हमें इसके अंदर हमें प्रोटीन मिलता है। अगर हम 50 ग्राम अगर सोया चंक लेते हैं तो इसके अंदर हमें लगभग 24 से लेकर 25 ग्राम के आसपास हमें प्रोटीन मिलता है। चलो मान लिया हम इसको कंज्यूम करना है वेट लॉस हो या वेट गेन के लिए हो, तो हम इसे बॉइल करेंगे या कुक करेंगे। अगर आप एक सर्टन लेवल पे इसको कुक करते हैं तो कुक होने के बाद शायद हो सकता है इसके अंदर एक लगभग 1 या 2 ग्राम का जो प्रोटीन है इसका ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, कम हो सकता है। लेकिन आपको 100 ग्राम का अगर चंक है, सोया चंक है, तो इसके अंदर हमें 48 से लेकर लगभग 50 ग्राम के आसपास आपको पक्का प्रोटीन मिलेगा। इसके अंदर अच्छा खासा प्रोटीन मिल सकता है। और ये जो सोया चंक होता है हमको सिर्फ प्रोटीन नहीं देता लेकिन साथ में हमें कैल्शियम भी देता है, आयरन भी देता है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो लगभग 300 से लेकर 350 mg के आसपास हमें इसके अंदर कैल्शियम मिल जाता है। आयरन की अगर हम बात करें तो 20 mg के आसपास हमें 100 ग्राम के सोया चंक के अंदर आयरन मिल जाता है। और इसके साथ साथ हमें ये अच्छा खासा फाइबर भी देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। फाइबर की अगर बात करें तो 12 से लेकर 13 ग्राम के आसपास हमें फाइबर मिल सकता है। और इसके अंदर लो फैट होता है, लो सोडियम होता है, और शुगर का जो टोटल शुगर जो होता है ये भी इसके अंदर बहुत कम होता है। इसीलिए ये वेट लॉस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वेट गेन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोनों का प्रिपरेशन अलग अलग होगा। जैसे आपको प्रिपरेशन पे फोकस करना है, आपका टोटल ओवरऑल डे का जो डाइट है उस पर फोकस करना है, और जो एक्टिविटी है ओवरऑल डे का, मतलब वेट गेन के लिए और वेट लॉस के लिए, इन दोनों एक्टिविटी में फर्क रहेगा। इन दोनों एक्टिविटी पे फोकस करना है तो दोनों चीज के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, टेक केयर गाइस, बाय बाय।